This story is brought to you by tapeatale.com. मैं ना बचपन में बहुत क्यूट थी, मतलब अभी भी हूँ थोड़ी सी, लेकिन पहले थोड़ी ज़्यादा क्यूट थी, थोड़ी सी ज़्यादा क्यूट, थोड़ी सी ज़्यादा चब्बी और थोड़ी सी ज़्यादा गोरी भी थी. सब ना मेरी चीक्स फुल करते रहते थे. सच बताऊँ, आई यूज टू हेट दैट थिंग, स्पेशली जब स्कूल के गार्ड अंकल ऐसा करते थे. ड्रैकुला अंकल थे एकदम. हम सब बच्चे ना उन्हें ड्रैकुला अंकल कह के चढ़ाते थे. ये बड़ी बड़ी मोटी मोटी आँखें, गोल गोल मूछें थी उनकी. मुझे तो देख के उनको डर लगता था. हाथ में ना मोटा सा डंडा रहता था उनके. सबको ना डांटते रहते थे, पर मुझे इतना नहीं डांटते थे. मैं क्यूट थी ना, इसलिए क्यूट होने के अपने फ़ायदे होते हैं. मुझे तो कई बार चॉकलेट भी देते थे वो. चॉकलेट ना मुझे शुरू से बहुत पसंद है. पता है एक बार क्या हुआ, चॉकलेट खाने के चक्कर में ना मैंने मम्मी की बातों में आके पूरे 2 ग्लास दूध पी लिए, पूरे 2 ग्लास. उसके बाद जो पेट में दर्द हुआ ना भाई साहब, पूछो मत. अच्छा, मेरा फेवरेट कार्टून बताऊँ आपको, स्कूबी डू विडू. स्कूल से घर आते ही बक्सा टेबल पर फेंक कर टीवी स्क्रीन के सामने यूँ बैठ जाती थी मैं. मेरे दिन का फेवरेट टाइम होता था वो 3 बजे, जब मेरा स्कूबी डू विडू आता था. उस समय ना ना तो मुझे मम्मी की चिक चिक सुनाई देती थी, ना सामने रखा खाना. स्कूबी डूबी डू के सामने बहुत सब फेल. और मेरी ज़िंदगी का जानी दुश्मन करेक्टर था स्कूल बस वाले भैया. कभी टाइम पे बस नहीं लाते थे, हमेशा लेट. उनके कारण ना मेरा स्कूबी डूबी डू फेवरेट कार्टून हमेशा 10 से 15 मिनट तो छूट ही जाता था. और कई बार ना मुझे स्कूल से डायरेक्ट ट्यूशन जाना पड़ता था. तब इतना गुस्सा आता था ना उनके ऊपर, मन करता था ना उनके बच्चे को जब बाल भी नोच कर पूरा टकला कर दूँ उनको. एक दिन पता है उन्होंने क्या किया, हद कर दी, मतलब कतई हद. स्कूल की छुट्टी हो गई थी, पूरा आधा घंटा हो गया था और बस का नामो निशान नहीं था. मैं स्कूल गेट के पास खड़े बस का इंतज़ार कर रही थी और तभी ड्रैकुला अंकल आए और बोले, ए गुड़िया, चॉकलेट खाएगी क्या? नहीं अंकल, मन नहीं है. तो बेटा अंदर चल के बैठ जाओ, कब तक बाहर खड़ी रहोगी धूप में? बस आएगी तो मैं बता दूंगा. मैं कुछ कहती उससे पहले वो मेरा हाथ पकड़कर अंदर गार्ड रूम में ले गए और खुद ही कुर्सी पर बैठ गए. मैंने नज़र घुमा के देखा तो वहाँ एक ही चेयर थी जिस पर वो खुद ही बैठे थे. मुझे ना कुछ ठीक नहीं लगा था, अजीब लगा, तो ना मैं वहाँ से जाने लगी. तो उन्होंने ना मेरा हाथ खींच कर मुझे अपनी गोद में बैठा लिया. मैं इससे पहले कुछ कहती उससे पहले उन्होंने एक हाथ से मेरा मुंह बंद कर लिया. फिर वो अपनी गंदी उंगलियां मेरे शरीर पर चलाने लगे. फिर उस गंदी उंगलियों से मेरे शर्ट के बटन खोलने लगे. मैंने ना उन्हें कस के काटने की कोशिश की, तो उन्होंने पता है क्या किया, मेरे उन्हीं गालों पे ना कस के तमाचा लगा दिया. अभी भी ना उनका वो हाथ मेरा मुंह दबाए हुआ था. अब ना मुझे पता नहीं क्यों, अब मुझे ना रोना नहीं आ रहा था, बस ना आंसू बह जा रहे थे. फिर ना कुछ वक्त बाद मेरी बस आ गई. बस का हॉर्न सुनकर ना उन्होंने मुझे छोड़ दिया. लेकिन ना जाने से पहले ना फिर से उन्होंने हाथ पकड़ा और बोला, सुनो गुड़िया, किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं, समझी? उसे ना मुझे समझ में आ गया उन अंकल को ड्रैकुला अंकल क्यों कहते हैं. पर ना अभी भी ना कभी ये ड्रैकुला वर्ड सुनती हूँ ना तो ना घिन से आने लगती है, मुझे अजीब सा लगने लगता है, कभी सी उठने लगती है. कानों आंखों के सामने वही गोल गोल मोटी आंखें आ जाती है और कानों में वही 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 शब्द गूंजने लगते हैं कि सुनो गुड़िया, किसी को बताना नहीं, किसी को बताना नहीं,